जी फरमाया, परेशान ना हो, क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं कि मैं थोड़ा सा ये मिसिंग हुआ, अपनी बुक में देख लीजिएगा, कि मैं तुम्हारा वालिद और हज़रत आयशा तुम्हारी वालदा। जी बच्चों, इस सबक से आपको क्या हासिल हुआ, क्या बात आपने समझी कि हमारे नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत प्यार किया करते थे। बच्चों, क्या आप बड़ों, इंसानों, हत्ता के जानवरों के लिए भी बहुत रहम दिल थे, किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकते थे। तो इस बच्चे का ज़िक्र है कि इसके वालदैन फ़ौत हो गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उदास देखकर उसे अपना बेटा बना लिया और उसका हौसला बढ़ाया और उसको इस तरह से खुशी मिल गई। तो हमें भी चाहिए कि हम दूसरों में खुशियाँ बाँटें, किसी को तकलीफ़ में देखें तो उसकी तकलीफ़ दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि हमने यहाँ से, इस दुनिया से नेकियाँ ही समेटनी हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की सुन्नत पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारनी है, ताकि अल्लाह और उसका रसूल हमसे राज़ी हों। ओके, थैंक यू बच्चों। लेसन को आपने 2 से 3 मरतबा ज़रूर पढ़ना है, ताकि हर नए लफ्ज़ से आपको बेहतरीन शनासाई मिल सके। मश्की हल वग़ैरह आपका बहुत आसान है और कुछ मश्की हल जो मुश्किल है वो आपके काम के साथ अटैच है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।